इसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन आती है जिसको हम कॉफ कहते हैं, आम जुबान में खांसी। आजकल विंटर का इशू है तो खांसी जो है हमें बहुत ज्यादा हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि लगातार हमें गले में कुछ ऐसी इचिंग वगैरह फील होती है जिससे हमें सांस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो कफ को नॉर्मली ट्रीट करने के लिए, अगर तो फीवर नहीं है तो हम अगर स्टीम लें, स्टीम इसके साथ हम सिप्रोफ्लॉक्सिन ले लें, सिप्रोफ्लॉक्सिन या कोई भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग, और बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि इसके साथ अक्सर फीवर आ रहा होता है क्योंकि बॉडी कॉन्टिन्यूसली रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करके तो आ रहा होता है। तो हम लोग इसके साथ पैनाडोल या पैरासिटामोल को ऐड कर लें तो हम इसको इजीली घर पे ट्रीट कर सकते हैं।